वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा और आज मैं सभी को लेकर आई बैंगलोर की एक बहुत ही फेमस जगह कबन पार्क, जहाँ पर हर एज के लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो यदि आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वक्त मैं शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ पर एंट्री के क्या चार्जेस है, यहाँ पर आकर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है खाने पीने की। तो इन सभी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम कबन पार्क पहुंच चुके हैं। हमने हमारी बाइक भी पार्क कर दी है। कबन पार्क में हाई कोर्ट भी है। हमने हमारी गाड़ी हाई कोर्ट की पार्किंग में पार्क की है तो हमें यहाँ पर कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़े। आज के इस व्लॉग में हम कवर करने वाले कबन पार्क में बना हुआ बाल भवन। तो चलिए चलते हैं। बाल भवन के बाहर बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स अवेलेबल है, जहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी खा पी सकते हैं। हमने भी यहाँ पर सबसे पहले गन्ने का जूस पिया, उसके बाद हमने खाई मसाला पूरी। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये यहाँ का टिकट काउंटर है और ये है यहाँ का एंट्री गेट। तो चलिए पहले हम टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं बाल भवन के अंदर। अभी हम आ चुके हैं कबन पार्क के बाल भवन में और अब हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन की सवारी के लिए। सो चलिए चलते हैं। सो चलिए अब हम यहाँ के एंट्री चार्जेस की बात कर लेते हैं। बाल भवन में एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्जेस है। 12 साल से बड़े बच्चों के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन है। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। टॉय ट्रेन के लिए यहाँ से एंट्री करती है, टॉय ट्रेन का जो चार्ज लगा है हमें वो 30 रुपीज़। टॉय ट्रेन और बोटिंग के टिकट्स आपको बाहर से ही परचेस करने होते हैं। सो यदि आप टॉय ट्रेन की सवारी या फिर बोटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टिकट एंट्री के टाइम ही खरीद लें, क्योंकि अंदर टिकट काउंटर अवेलेबल नहीं है, आपको फिर से बाहर जाकर टिकट परचेस करने होंगे। सो चलिए अब हम टॉय ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। टॉय ट्रेन की सवारी के लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस पे करने पड़े और बोटिंग के लिए भी आपको सेम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यह ट्रेन आपको पूरे पार्क का एक राउंड करवाती है, जिसमें आपका लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। यदि आप बाल भवन आने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ के टाइमिंग बता देते हैं। बाल भवन ट्यूसडे टू संडे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है, मंडे को यह क्लोज रहता है। Okay.
अभी हम जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं इसका नाम है भूटानी एक्सप्रेस। यदि आप भी इस टॉय ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आने से पहले ही पता कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये टॉय ट्रेन बंद रहती है। यहाँ का नंबर हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। सो चलिए अब हम कबन पार्क से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कबन पार्क बैंगलोर के सेंटर में लोकेटेड है, जिस वजह से इस जगह को बैंगलोर का हार्ट भी कहा जाता है। कबन पार्क 1870 में बनाया गया था। यह 300 एकड़ में बना हुआ है, मतलब यह बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे एक दिन में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हाई कोर्ट, फिश एक्वेरियम, म्यूजियम, बाल भवन, आपको यह सारी जगह देखने को मिल जाएगी। यदि आप बैंगलोर में रहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो कबन पार्क में करने को और देखने को बहुत कुछ है, बट आज हम यहाँ पर सिर्फ बाल भवन घूमने आए हैं। तो अभी हमारी टॉय ट्रेन की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं झूलों की तरफ। यहाँ पर छोटा सा काइंड ऑफ एम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है। यहाँ के झूलों के लिए टिकट्स आपको यहीं से लेने होंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम कोलंबस की सवारी करेंगे। कोलंबस की सवारी करने के लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस पे करने पड़े। कोलंबस में एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं ड्रैगन ट्रेन की सवारी करने के लिए, जिसके लिए हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन पे करने पड़े। यहाँ पर सभी झूले काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, सो यदि आप यहाँ पर आते हैं सभी झूलों को एंजॉय कर सकते हैं। Down.
बाल भवन में इन दोनों झूले के अलावा ब्रेक डांस भी अवेलेबल है, जिसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ से आप छोटे मोटे स्नैक्स लेकर खा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो घर से भी खाने पीने का सामान ला सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप सभी को एक बात बता दूँ, यदि आप कबन पार्क आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा बहुत कैश कैरी करें, क्योंकि बाहर टिकट काउंटर पर UPI पेमेंट नहीं चलता है, वहाँ पर आपको कैश ही पेमेंट करना होता है। अभी आप जो हमारे सामने देख रहे हैं, ये है बाल भवन का ऑडिटोरियम, और इसी के जस्ट पीछे वॉशरूम भी अवेलेबल है। ऑडिटोरियम के जस्ट सामने यह बना हुआ है, और इसी के सामने पीने के पानी की सुविधा भी अवेलेबल है। अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3D होलोग्राम की स्क्रीन बनी हुई है, जिस पे आप अलग अलग कार्टून की इमेजेस को देख सकते हैं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, इस एरिया में स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, जहाँ पर वो खेल सकते हैं। यहाँ पर बाल भवन में कैंटीन की सुविधा भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। यह कैंटीन गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, तो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट में खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है। अब हम जा रहे हैं बोटिंग एरिया की तरफ बोटिंग करने के लिए, तो चलिए चलते हैं, अब हम बोटिंग करते हैं। अभी हम आ चुके हैं बाल भवन के प्ले एरिया में, जहाँ पर सम्राट ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और इस जगह पे आपको बच्चों के साथ बड़े भी एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और थोड़ा सा झूला मैंने भी झूल लिया। यह जगह बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, यदि आप बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सम्राट को यह जगह इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो झूले से उतर ही नहीं रहा था। और हाँ, यहाँ पर स्केटिंग एरिया भी अवेलेबल है, सो यदि आपके बच्चे स्केट्स लाते हैं तो वो यहाँ पर स्केटिंग कर सकते हैं। सो अब हम आ चुके हैं कबन पार्क के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर आपको मोस्टली बड़े लोग ही देखने को मिलेंगे, और कबन पार्क के इस एरिया में आपको एंट्री के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। यह जगह भी काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और यदि आप नेचर लवर है तो आपको यह जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो हमारा कबन पार्क का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यदि आप भी बेंगलोर में रहते हैं तो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जरूर आए, आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगेगा, बच्चे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करेंगे। कबन पार्क इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम घूम के थक गए, सम्राट तो थक के सो भी गया, अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए। सो इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।